पौड़ी के श्रीनगर श्रीकोट इलाके में बीती रात गुलदार आंगन में खेल रही बच्ची को उठा के ले गया। बच्ची को गुलदार द्वारा उठाए जाने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बच्ची गंभीर रूप से घायल अवस्था में झाड़ी के अंदर मिली, जिसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल रेफर किया गया। वहीं इस घटना के बाद से वन विभाग की टीम में भी गुलदार को पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई थी, जिसके बाद आज सुबह गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वहीं पौड़ी DFO स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि पीड़ित बच्ची के परिवार को राहत राशि भी वितरित कर दी गई है। वहीं गुलदार की दहशत को देखते हुए क्षेत्र में कोई अन्य गुलदार सक्रिय न हो सके, इसे लेकर वन विभाग द्वारा अपनी गश्त बढ़ा दी गई है। पौड़ी से मुकेश बछैती की रिपोर्ट। कल रात 5 तारीख को लगभग 8:15 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि एक बालिका को जो है गुलदार पकड़कर जंगल की तरफ खींच ले गया है, जिसके बाद जो है वहाँ के आसपास के स्थानीय लोगों ने उसको बॉडी को रिकवर किया और बहुत ही फॉर्चुनेटली लड़की जिंदा पाई गई, जिसे बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में शिफ्ट किया गया। उसका प्राथमिक इलाज करने के उपरांत जो है उसको एम्स हायर सेंटर रेफर किया गया, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट नियमावली है उसके तहत जो गंभीर घायल जो व्यक्ति है उसको 50,000 की मुआवजा धनराशि जो है वो वितरित कर दी गई है। उसके बाद तुरंत वन विभाग ने मौके पर जाकर जो भी कैमरा ट्रैप्स हैं और पिंजरे हैं ये सारी व्यवस्था की थी, और बहुत फॉर्चुनेटली कल रात को आज सुबह जो है गुलदार उसमें पकड़ा गया है। जनरली ऐसा होता है कि जब गुलदार कोई शिकार करता है और उसका शिकार वो पूरा नहीं कर पाता तो उसी स्थान पर वो वापस आने की उसकी प्रवृत्ति होती है, तो प्रबल संभावना यही है कि रात में जो गुलदार पकड़ा गया है, आज सुबह जो गुलदार पकड़ा गया है, वो वही गुलदार है जिसने कल रात बच्ची को उठाया था।